लेकर्स वर्सेस ह्यूस्टन रॉकेट्स, ये मैचअप मेरे लिए बहुत ही खास रहा है हमेशा से, क्योंकि इनका जो भी गेम होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है, क्योंकि वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस की दो बहुत ही दिग्गज टीमें हैं और लास्ट ईयर ये प्लेऑफ्स में भी भिड़ी थी। इस गेम में लेकर्स ने दिखा दिया कि वो लास्ट ईयर चैम्पियन क्यों रही थी, क्योंकि बिल्कुल चैम्पियनशिप लेवल पर उन्होंने ये गेम खेला है। और सबसे बड़ी बातें लेकर्स के लिए ये थी, देखिए हाई ऑन ऑफेंस तो हमेशा वो रहती है, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बातें थी इनके फास्ट ब्रेक पॉइंट्स और इनका डिफेंस। अब डिफेंस और फास्ट ब्रेक तो वैसे ही लेकर्स की काबिलियत तारीफ है, क्योंकि डिफेंस पे इनके पास सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि एक डिफेंसिव कल्चर सेटअप कर चुके हैं लेकर्स में, और टीम डिफेंस और इंडिविजुअल डिफेंस में बहुत ही बेहतरीन रहते हैं। और फास्ट ब्रेक की बात करें तो जब आपके पास विजन हो लेब्रॉन का, फुल कोर्ट विजन हो लेब्रॉन का, और फिर साथ में जो टीममेट्स होते हैं उनके अंदर ये ऊर्जा अपने आप जागती है कि वो पोजेशन मिलते ही ऑफेंस के लिए भागना शुरू कर दे। गेम के शुरुआती क्षणों में ही ह्यूस्टन की तरफ से डिमार्कस और लेकर्स की तरफ से मॉरिस गेम से इजेक्ट कर दिए गए थे। अब हमेशा की तरह डिफेंस जो था एंथनी डेविस को काबू करने के लिए काफ़ी नहीं था, और ऑफेंस में मैं बात करूँ तो इनका ऑफेंस बुरा नहीं था, आज डिसेंट ऑफेंस था, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देखने को हमें किसी से भी नहीं मिली। अब ह्यूस्टन की हार का सबसे बड़ा कारण था सिर्फ और सिर्फ लेकर्स की बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ह्यूस्टन रॉकेट्स पिछले साल से एक कदम आगे किस तरह जा सकती है, क्या उनके पास काफ़ी पीसेज हैं आगे बढ़ने के लिए या फिर अभी भी कमी है, क्या उनके गेम डायनेमिक्स चेंज हुए हैं, क्या उनका जो बेसिक गेम का पैटर्न था जो कि पिछले साल सक्सेसफुल नहीं बताया जा रहा था, क्या वो चेंज हुआ है, यह है सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी खासा फ़र्क देखने को नहीं मिला है, लेकिन गेम्स अभी काफ़ी बाकी हैं।